नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। प्राथमिक कक्षाओं में गतिविधि द्वारा पठन पाठन सिखाएंगे शिक्षक शिक्षिका। आपको बता दें कि शासन के आदेश पर शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा परिषदीय विद्यालय में तैनात शिक्षक शिक्षिकाओं को 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के मासूम बच्चों को पठन पाठन कराए जाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ब्लॉक संसाधन केंद्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के परिसर में स्थापित सभागार कक्ष में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण के दौरान LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से पठन पाठन की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षक प्रवीण कुमार ने शिक्षक शिक्षिकाओं को LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार किए जाने के बारे में बताया कि 3 वर्ष से 6 साल के मासूम बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में किस तरह से गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन कर बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 3 वर्ष से 6 वर्ष के मासूम बच्चे प्राथमिक विद्यालय के परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। उन्हीं बच्चों को परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत कराए जाने के लिए खेल कूद के दौरान तरह तरह की गतिविधियों को करते हुए बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराए जाने के लिए तैयार करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक विनय कुमार, अनुरोध शर्मा, महाराज सिंह व प्रधान अध्यापक जितेंद्र पाल सिंह उपस्थित रहे। ज्ञान बच्चों कैसे दोगे, जैसे कि वो एग्जांपल के लिए गोल वाला दिखा चार्ट, इसमें 3 लाइन गोले बना रखे हैं, तीनों में वर्ड अच्छे लिखे हुए हैं, 2 शब्दों के वर्णों के अक्षर बनाओ, 3 के बनाओ, ठीक है। उसी तरीके से कोई कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो पहले आंगनवाड़ी केंद्र चलते थे, अब आंगनवाड़ी और जो कक्षा 1 की जो क्लास है वो अब बिल्कुल मतलब दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए उनको साथ साथ चलाया जाएगा। पहले आंगनवाड़ी अलग होती थी, लेकिन अब आंगनवाड़ी भी हमारे प्राइमरी जो प्री प्राइमरी कक्षा होती है उनको दोनों का अटैचमेंट करके अब 3 साल से बच्चा हमारे विद्यालय में आ जाया करेगा। मतलब उनकी देख रेख अब आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ती हैं, जो बच्चे हैं, वो अब अंडरटेकन बाई हेडमास्टर के अंडर में आ जाएगा। अब उनकी देखरेख से ही सारा कार्यक्रम जो 3 साल से बच्चा आ जाएगा, अब हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में 3 साल से ही बच्चे पे फोकस किया जाएगा। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।